नमस्कार, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। उसमें ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उस ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी गई नहीं है, फिर ऊपर यस्टरडे उसने क्लोजिंग के टाइम लास्ट टाइम पे बहुत ही अच्छी मोमेंट दी थी। तो मैंने बोला था अगर वो नीचे इस ट्रेंड लाइन तक आए या इतने तक आए, इतने आए तो बेस्ट था बाय के लिए, पर ये उसने ये ट्रेंड लाइन के नीचे वो आई नहीं, फिर इधर से उसने अप मूव दिया। तो अब अगर आपने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते टाइम निफ्टी को बाय किया होता तो ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का बेनिफिट मिलता। अगर आपने इधर से बाइंग की होती 19,620 के आसपास, तो भी आप देख सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल सकते थे। अभी अपने देखते हैं कि निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन होती है तो कैसे बाइंग या सेल कर सकते हैं वो देखते हैं। समझो कि कल निफ्टी इधर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है इतनी, और 19,758 अगर उसके ऊपर निकल दिए और इधर कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर ब्रेक कर दिए तो उसके टारगेट नेक्स्ट हो सकते हैं 19,804, और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,972। समझो कि उसको ब्रेक नहीं कर रही, गैप अप ओपन हुई और उसको ब्रेक नहीं किया, तो ये निफ्टी 19,668 तक आएगी, 19,605 तक ये ब्रेक होता है तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,619, और अगर उसको भी ब्रेक कर देती है तो उसके बाद के टारगेट हो गए 19,541, और उसको अगर ब्रेक करती है तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,451। टी इधर ही ओपन हुई है और इधर कंसोलिडेशन होके फिर अब मोमेंट देती है तो पहले ये रेजिस्टेंट आएगा, फिर उसके बाद ये हो सकता है। अगर नीचे की तरफ आए तो ये सकता है, और लास्ट में तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। अगर समझो कि गैप डाउन ओपन हुई निफ्टी, वो है ये, अगर इधर ओपन हुई फिर उसको ब्रेक नहीं करती है और इधर थोड़े टाइम कंसोलिडेशन होके फिर अप निकलती है तो उसके टारगेट ये हो गए 19,758 जो ये है। तो ये हुई निफ्टी के लेवल, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंट की बात। अब तो इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी के जो एडवांस थे वो 28 थे और डिक्लाइन 21 थे, जो उसका प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करने वाले स्टॉक थे 50 और लो ब्रेक करने वाले ओनली 5 थे। तो उसकी ब्रेक अगर मंथली उसकी रेंज की बात की जाए निफ्टी की, तो ये 19,402 उसकी लोअर रेंज हो सकती है और अपर रेंज 20,021 हो सकती है। डे की बात की जाए तो 19,828 से 19,595 तक हो सकती है। उसके ओआई के रेजिस्टेंट या सपोर्ट से बात की जाए तो वो भी 19,835 से 19,564, मतलब ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा और ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंट का काम करेगा। तो कल ये देखने का रहेगा, और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल ओआई 20,000 पे और पुट ओआई सबसे ज़्यादा 19,600 पे, और पीसीआर की बात की जाए जो है 1.55 जो है पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज है, मोमेंटम ओसिलेटर है, सब में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ये आज का था स्ट्रॉन्ग बाइंग की, और कल के लिए ये रेंज हो सकती है। और निफ्टी का ये जो लाइन चार्ट है उसको आप देख सकते हैं, इसमें कंटिन्यूस मोमेंट दी, इधर भी सपोर्ट लेके उसने
ब्रेक कर दिया है। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन। तो ये है निफ्टी, इधर बंद हुई है। और निफ्टी का पुट ओआई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इधर है, और उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी स्ट्राइक पे है। और सेकंड ओआई इधर है, और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा सेकंड ये है जो है 19,500 और 19,600, ये फुट का है। और इधर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे, और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे, और सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो ये है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये फर्स्ट हाईएस्ट ओआई है। और उसमें अगर वॉल्यूम की बात की जाए सबसे ज़्यादा तो ये है। कल ये ब्रेक कर दी है निफ्टी, ये ब्रेक कर दिया है, फिर से ब्रेक होती है, तो ये टारगेट भी आ सकते हैं। और उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद ये भी टारगेट आ सकते हैं, मतलब कि निफ्टी का सपोर्ट लेवल 19,600 से 19,500 है, और अपर रेंज की बात की जाए तो 19,800, 900 और 20,000। था निफ्टी के ऑप्शन चेन का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।